तो हो गई कुछ ऐसी इमरजेंसी की जिसकी वजह से हमें अचानक हरियाणा जाना पड़ा। तो व्लॉग के साथ बने रहिएगा क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है। जब मैं ना दो लकवे वाले हैं तो इलाज करते हैं देसी इलाज। तो एक तो ये है जिनका कार्ड मैं आपको दिखा रही हूँ, तो अभी मैं दिखा दूंगी, और एक और है तो यही सामने ही है, उनके यहाँ भी चलते हैं। अपने पास होंगी इनका अंदर पांच बार में छोड़ के ना। हाँ, और बाकी साढ़े छह बजे कॉल कर लेना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो के अंदर। तो सुबह सुबह का टाइम है, मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, यहाँ पे आवाज गूंज रही है। तो हम हैं हरियाणा में। तो कल ऐसा हुआ था कि आपने हमारे व्लॉग्स में देखा होगा, कविता दी जो तिहाड़ जेल में रहती है, तो हम उनके घर आए हुए हरियाणा में उनको छोड़ने के लिए। कल अचानक से हमें मतलब आना पड़ा, तो मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया, मेरे फोन में बैटरी भी नहीं थी, और मेरे को ही पता कि मैंने फोन कैसे चार्ज कराया क्योंकि यहाँ पे आईफोन का किसी के पास चार्जर ही नहीं था। फिर मेरे पास एक कनेक्टर था आईफोन का, उसमें मैंने सी टाइप लगा के कनेक्ट करा और वो चार्ज हो गया। तो यार जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हम हरियाणा में है झज्जर, तो कल आ गए थे हम, ऑन द स्पॉट प्लान बना कि चल रहे हैं। तो फिर अभी मैं बताती हूँ, कविता दी के साथ आए थे कविता दी को छोड़ने के लिए, क्योंकि कविता जी की जो मदर इन लॉ है उनके पैर में चोट लग गई थी, और कविता दी के हस्बैंड तो कविता दी के हस्बैंड और अभी मैं दिखाती हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, ये और आर्यन क्या कर रहे हैं। तो बाहर ये दोनों मिलके गाड़ी धो रहे हैं, वैसे इनसे कभी गाड़ी नहीं धोई जाती लेकिन यहाँ पे गाड़ी धोई जा रही है। तो देखो ये देखो गाड़ी धोई जा रही है। आपने वहां पे कभी गाड़ी धोई है? हैं? चलो इसी बहाने हमारी गाड़ी अंदर से भी साफ कर देना। और ये कविता जी के हस्बैंड के पापा आर्यन को सफाई कराए, इसका वीडियो डाल दे प्लीज। हाँ, कल सुबह पोछा भी तो मारा था आर्यन ने। चलो कुछ तो काम कर रहे करावा था वीडियो जो है, दो ही बोल लेंगे। हाँ, प्रमोशन करा रहे हैं कि गाड़ी आके दिलवा सकते हो आप। अच्छा, ये बिजनेस फाइनेंस करेंगे और ये इनका गाड़ी धोने का बिजनेस नया स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये दोनों छोटू हैं आपके? और कविता जी यहाँ पे बना दी कड़ी, मेरी डिमांड थी। वैसे ये उनके घर पे बननी थी, यानी कि दिल्ली में बननी थी, लेकिन उनको इतनी जल्दी थी यहाँ पे आने की, इमरजेंसी थी ना, तो कड़ी छूट गई थी और वो लस्सी लेके आई थी कि यहाँ पे कड़ी बनाएंगे, तो यहाँ पे कड़ी बना रही है। अच्छा, ये ताजा लस्सी की बन रही है ना, लेकिन वो वाली में तो खट्टी हो जाती। कविता जी की सासू मम्मी की बहन, राम राम। और यार कल जब मैं आई थी ना, तो मैं जिम के कपड़ों में थी, और फिर अचानक से इन्होंने बोला कि वहां जा रहे हैं हम झज्जर, चल एक घंटे में वापस आ जाएंगे। फिर मुझे तो कोई आइडिया नहीं था कि झज्जर से एक घंटे में वापस आ जाएंगे, तो मुझे लगा शायद आ जाएंगे, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। बाद में मुझे पता चला कम से कम दो तीन घंटे लगते हैं, और हमें चार घंटे लगे क्योंकि हमारा ड्राइवर नहीं आता था रास्ता, हमें पता नहीं था। और जो रास्ता मतलब पता थे, लेकिन हम थोड़ा सा ना दिल्ली से शॉर्टकट लेने की कोशिश करे, तो उस चक्कर में हम भटके इधर उधर, उस वजह से हमारा एक घंटा वेस्ट हो गया। फिर हमने खाने के लिए टाइम वेस्ट करा, और फिर हम चार घंटे में पहुंचे, और फिर वापसी जाते तो रात के एक दो बज जाते, तो फिर हम यहीं पे रुक गए कल रात को। चलो ठीक है, झज्जर का ब्लॉग बनाएंगे आज, घूमेंगे यहाँ पे हरियाणा में। और मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, तो ये कविता दी ने मेरे को अपना सूट दिया था, ये रहा कुर्ता और ये रही पेंट। तो सूट दिखाने का स्टाइल थोड़ा सा कैजुअल हो गया था। तो चलो यार अब ब्लॉग बनाते हैं झज्जर का, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे, तो तब तक ब्लॉग बना लेते हैं। टेस्टिंग टाइम, इतनी सारी काम तो यहाँ जोरों शोरों से चल रहा है। देखो इंजन की भी सफाई कर रहे हैं, तीन जने और एक गाड़ी, कैसे बिजनेस बढ़ेगा इनका।
खैर पता है कल जब मेरी क्लास, मतलब मेरी आज क्लास भी थी, तो आज मैं क्लास छोड़ नहीं सकती थी। तो फिर इन्होंने मेरे को लालच दिया कि बाजरे की रोटी खाई हो, कड़ी खाई हो। फिर मैंने कहा चलो यार एक दिन क्लास कुर्बान, बाजरे की रोटी और कड़ी के पीछे ना। तो चलो यार मेरे को आर्यन ने काम सौंपा है कि गुलाब जामुन बना के दो, तो मुझे अपनी मामी होने का फर्ज निभाना है। वैसे तो वो मुझे मामी समझता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, इन चीजों में समझ लेता है। तो चलो बनाते हैं गुलाब जामुन। तो ये MTR का पैकेट है, मैंने कभी बनाया नहीं लेकिन बना लूंगी। तो यहाँ पे मैंने गुलाब जामुन का आटा तो गूंद दिया है, अब इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ना है। तो जो मिक्स था ना, बस उसमें पानी मिलाया और उसका आटा गूंद दिया। और यहाँ पे कविता दी बना रही है रोटी, बाजरे की बना रही है। अच्छा नॉर्मल। ये आ चुके हैं गाड़ी साफ करके। आपने कभी वहां पे गाड़ी साफ करी है? पानी की कमी नहीं है ना? पानी की कमी नहीं है तो हाँ यार वहाँ पे पाइप कौन इतनी ऊपर उतारे? तो ये तो फायदा है यहाँ पे। तो मतलब हमें गाड़ी धोनी हो तो हम यहाँ आए। यहाँ पे हमारा खाना तैयार है, बाजरे की रोटी, मक्खन, कड़ी और आलू गोभी की सब्जी, और साथ में है लस्सी। नहीं बनी रोटी? इस खाने के लिए तो मैं छुट्टी कर सकती हूँ, कल की भी कर लूंगी, लेकिन कल जाना जरूरी है यार। तो यार कहानी में एक ट्विस्ट है, तो वो अभी मैं आपको बताती हूँ। तो यार कहानी में ट्विस्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि हम आए थे यहाँ पे कविता दी को छोड़ने के लिए, लेकिन जो कविता दी की मदर लॉ है, जिनके पैर में चोट लगी है, उनको ना ज्यादा पेन हो रहा है। तो यहाँ पे हरियाणा में इधर हॉस्पिटल, मतलब उनका दिल्ली के अंदर पैनल में आते हैं हॉस्पिटल्स कुछ, तो वहां उनका ट्रीटमेंट होएगा। तो अब उनको लेके और कविता दी को लेके हम वापस दिल्ली जा रहे हैं। तो ये है कहानी में ट्विस्ट। तो कविता दी को हम यहाँ छोड़ने आए थे कि वो यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट करेंगी सबके साथ, और उनकी मदर लॉ के पैर में चोट लगी है और उनको उनका ध्यान रखेगी, लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि उनका यहाँ पे आराम ही नहीं मिल रहा, तो इसलिए अब उनको दिल्ली लेके जा रहे हैं। तो अब जैसे आए थे वैसे वापस जा रहे हैं। यहाँ मतलब हम सिर्फ बाजरे की रोटी खाने आए थे, तो सामान सारा लेके आए थे ना, वही सामान सारा लेके वापस दिल्ली जा रहे हैं। और यार हमने सोचा था कि हम खेत में जाएंगे, मंदिर जाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो ये रहे हमारे MTR के गुलाब जामुन, जो कि अभी तक तो सही चल रहे हैं, लेकिन आगे इसमें कोई भरोसा नहीं है। और ये रही चाशनी, ये रहे हमारे गुलाब जामुन। क्या खाना है तेरे को? करो, कैसे बने हैं? इन्होंने किया होगा ना? कविता दी खौफ में है कि खाऊंगी तो पता चले मेरी क्या गलती है, MTR वालों का पैकेट ही आता था। दिल्ली से यहाँ आने थे ना बहुत दिनों बाद, तो ऐसा पूछना बनता था उनसे कि यहाँ आके कैसा लगा, अब आपको वापस जाके कैसा लगेगा। तो काम डबल हो गया है। तो यार चलो छत पे चल लेते हैं, खेत तो मैं जानी भाई। बस यहाँ पे बोला था कि छत पे ना बंदर बहुत आते हैं, मेरा स्टैमिना जीरो हो चुका है। पहले कहाँ मैं इतना इतना भागती थी, चलती थी। झज्जर में है, पीछे गांव है पूरा, देख सकते हो आप। पहले मैंने सोचा था खेत जाएंगे, खेत में जाके वीडियो बना के लाएंगे, मंदिर जाएंगे, लेकिन सारा प्लान चौपट हो गया। चलो कोई बात नहीं, और वो शायद सामने, हाँ सामने मंदिर है बहुत बड़ा, यहाँ से तो बहुत बड़ा मंदिर लग रहा है। और इधर शायद किसी और का भी घर है, किसी और के घर में जाकनी अच्छी बात नहीं होती, लेकिन यहाँ पे घर ही ऐसे बने होते हैं ना, एक घर से दूसरे घर में देख सकते हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं। और यहाँ से ऊपर से ऐसा कुछ दिखता है कविता दी का घर, वो रहा आर्यन। हाय, तो चलो अब सब तैयारी कर रहे हैं वापस जाने की, और हमें तो वैसे भी जाना ही था, चलो चलते हैं। छोटा सा डॉगी, आ गया।
कितनी गाड़ी डॉगी। इसकी माँ भी आ गई, काटेगी तो नहीं। देखो ये रेड डॉगी और हो रही उसकी माँ आ रही है इसी तरफ। यार यहाँ पे दोपहर हो रही है, इतना सन्नाटा, जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है। देख गाड़ी में बैठने के लिए सब तैयार हो रहे हैं बस। देखो ये है बैठक, जैसे हमारे में ड्राइंग रूम होता है ना, वैसे यहाँ पे लोग आके बैठते हैं। और वो रखा हुक्का पीछे। मैं तो फिर से थक गई। ये तो पता नहीं गाड़ी चला के इतने कुछ हो जाते। देख लो कुछ भूल गए तो डाल लो। तो यार अब हम सारे निकल चुके हैं दिल्ली जाने के लिए, और रास्ते में बहुत सारे कपास के पेड़ है। मुझे नहीं पता था कपास क्या होता है, फिर इन्होंने बताया कि रुई निकलती है कपास के पेड़ से। बाजरा इकट्ठा कर रहे हैं। बताओ चावल है? धान बोलते हैं। ये पीले पीले और ये इसमें है ना, वो आ रहे हैं चावल। ये कपास के पेड़ है, पौधे हैं सॉरी, तो इसके अंदर रुई लगी हुई है, वाइट वाइट ना, ये वाइट वाइट रुई है। ये देखो रुई निकल रही है इसमें। तो रात को हम यहाँ से आ रहे थे, ये जंगल सा एरिया है, इसको बनी बोलते हैं, बनी। तो हम यहाँ से आ रहे थे ना, तो ये सारे डर रहे थे, मुझे डर नहीं लग रहा है, लेकिन ये सारे पता नहीं क्यों डर रहे थे। और रात को पूरा अंधेरा, हम रात में इतनी रात में आए थे यहाँ से, और रोड में एक भी गाड़ी नहीं चल रही थी, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। और अब देखो ये सुबह सुबह इतनी सुंदर लगेगी। और पता है जब हम कल रात को आ रहे थे तब हमारी गाड़ी के पास सांप भी गया, गाड़ी के पास से मतलब नीचे से गया, लेकिन इन्होंने उसकी रक्षा कर ली थी, बचा दिया था सांप। और बाकी अभी हम बड़ी में, यार ये तो रात को जंगल जैसी लग रही है, अब खेत जैसी लग रही है। पहले नहीं बता सकते थे, मैं बोल रही थी जब बेइज्जती करा दी। हाँ तो वही सेम बात है, सड़की होती है समझ जाए। अरे भूत तो आजकल खुद डरते हैं इंसान से। जब तो आए थे तो यहाँ पे लकवे के लिए जो आयुर्वेदिक और वैद होते हैं ना, तो मेरे पापा को भी पैरालिसिस का प्रॉब्लम है, और एक और है उनको भी प्रॉब्लम है, तो उनके लिए हम सोच रहे थे कि यहाँ पे पता कर लेते हैं। तो बाय चांस अगर यहाँ से कुछ हो जाए, वैसे तो पैरालिसिस की एक ही इलाज है, वर्कआउट एक्सरसाइज, लेकिन हो सकता है कि कहीं की दवाई लग जाती है देसी इलाज, तो हम यहाँ पे आए थे। तो चलो पता करते हैं पहले, और फिर कल परसों में लेके आएंगे। तो झज्जर में दो जगह देसी इलाज होता है, एक तो यहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, और एक ठीक किसी के सामने। तो किसी ने हमें बताया कि यहाँ से काफी लोग ठीक होके जा चुके हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। हाँ शायद मेरे पास होंगी। काम कर, पांच बार में छोड़ के ना। हाँ और बाकी साढ़े छह बजे कॉल कर लेना, नौ से चार का टाइम है, अब नहीं मिलेंगे वैसे तो अभी फोन करूंगा। अच्छा एक चीज और है, वो तो चलो पापा जी बता दें, अभी 10-15 दिन पहले शरीर उल्टी दिशा में, तो उनको तो ले आए ना कल परसों, अभी वो हॉस्पिटल में आ रहे थे, लेकिन ग्लूकोज नहीं चढ़ा उनको, तो भी हो जाएगा। तो यार हमने नंबर ले लिया है, और उन्होंने बोला है कि फोन करके आना, तो ये रहा उनका कार्ड। क्या तो यार झज्जर में ना दो लकवे वाले हैं जो इलाज करते हैं देसी इलाज, तो एक तो ये है जिनका कार्ड मैं आपको दिखा रही हूँ, तो अभी मैं दिखा दूंगी, और एक और है, तो यही सामने ही है, उनके यहाँ भी चलते हैं और वहां भी देख के आते हैं। तो ये है वो दूसरी जगह जहाँ पे लकवे का इलाज होता है, तो फोन नंबर मेंशन है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ कॉल करके आ सकते हो। सफा फिर अभी यही चार पीढ़ी पुराना है, यही जो जिसमें मैं भी गई थी जोड़ के बाद। इसको तो वरदान सा है कि जो आता है वो ठीक ही होके जाता है, गांव वाले बता रहे हैं।
ये तो हमारे जो दादी थी उसको भी तो लेके आए थे इन्हीं पे, इन्हीं के पास इनके अंदर अभी हम गए थे। हाँ, इन्हीं के पास से दिलवाई थी। कितने साल हो गए, मेरी शादी से पहले एक्सपायर हो गई थी वो, उससे पहले दिलवाई थी। और जो आएगा ना फिर दोबारे नहीं आता तो चलो यार, हमने दोनों जगह पता कर लिया और अब लेके आएंगे एक दो दिन में। फोन करके उसका तो मेन ये है कि ना आते ही लगवाना लेके आयो। ये जो करता है कि भाई इस हालत में आ जा तो मोटरसाइकिल पर नहीं लाना। अच्छा, बंद गाड़ी में लाना, कदे एसी चला के लिया। अच्छा, एसी भी नहीं चलानी। तो चलो अब एक जाना रिवाड़ी रोड पे, झज्जर रोड पे सीधा निकाल ले। तो चलो अब एक दो दिन में लेके आएंगे। यार ये रहा कार्ड, ये बंदा है, ये चार पेटी का है। नहीं भाई वो उनके घर में रुके है शकरकंदी खाने के लिए, तो इस रोड पे ना बहुत सारी शकरकंदियां मिल रही थी तो हमने सोचा कि खा लेते हैं। देख लिया योगदान इनका, और देखो शकरकंदी बनाने का, टायर टायर के ऊपर, तसला तसले के ऊपर, ग्रिल ग्रिल के अंदर शकरकंदी। देखो ठंडी है क्या छोटू? ठंडी है भैया, गर्म है। खा लो पहले फिर चला लेना। नहीं खानी, ज्यादा ही पकी हुई है भाई, तेरी लकड़ी से तो खाई नहीं जा रही। ज्यादा पकी हुई है क्या करना है? तो चम्मच देता और हमने कचरी भी लिया घर ले जाने के लिए।